तो जी, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि साल का नया दिन जो है वो शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पिछला साल भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा, और आई होप आप लोगों का भी सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो अल्लाह इस साल जो है वो हम सबको खुशियाँ और कामयाबी अता करे, आमीन इंशाल्लाह। तो नए साल की जो शुरुआत है वो हमेशा अच्छी चीज़ से करें, ताकि पूरा साल जो है आपका अच्छे से गुजरे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे आप सब जी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे इंशाल्लाह। तो जी, जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम कितना आला हुआ हुआ है, और अम्मी भी आई हुई हैं, तो हमने सोचा अम्मी को कहीं घुमाने लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम घर से निकल चुके थे क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले कि अक्सर बाहर टाइम पे ना मैं जैसे शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो मैं उसमें वॉइस ओवर कर लिया करूँगी, वैसे तो व्लॉगिंग ही कर लिया करूँगी। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सब तैयार होकर जा रहे थे, और मिकाइल साहब को जो है ना वो नींद आ गई थी। तो खैर, हम जा रहे थे, अब कहाँ जा रहे थे वो हम वहीं पहुँच के ही मैं आपको बताऊँगी। देखे दरख्त कितने अच्छे से लगाए हैं इन्होंने, इतना प्यारा लग रहा है। मैं खुद इधर फर्स्ट टाइम आई हूँ इसे। रोड कितने मेंटेन करके रखा है। ये लंबा ब्रांच है मित पास है। लंबा आइलैंड को स्टार्ट हो। ब्रांच को दोन। ये हम अंदर जा रहे हैं अम्मी, बुर्ज खलीफा कह रही हूँ। पाम जुमेरा का जो मेन जो इंटर होने वाली जगह नहीं है, सेंटर में अभी हम जा रहे हैं। साइड्स पे सारा विलास वगैरह मेंशन साइड है। हम शाहरुख खान के घर में, उसने हमें इनवाइट किया डिनर पे। इतना आला बनाया हुआ यार उन्होंने। आप वीडियो बना, मैं ऐसा देखती हूँ। हाँ, मैं बना रही हूँ वीडियो। ट्रीज लगा के इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ इन्होंने, लग रहा है कहीं से कि मेन मेड है। बनने के बाद देखे कहीं से लग, वही मैं आपको कह रही ना अम्मी, इसका कंस्ट्रक्शन का सारा देखा था ना हमने वीडियो। जी, यहाँ पे अम्मी बहुत सरप्राइज हो गई है। बिल्डिंग होता है
نام جمیرہ اٹلانٹس ہوٹل, جو کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دور سے کتنا ویو چیک کریں آپ. سے ایسے نا زیادہ پتہ نہیں چلتا کہ کیسے کس طرح بلڈ ہوا ہے. جو یہ آپ اوپر سے دیکھیں گے نا تو بہت زبردست ایک پام ٹری ٹائپ کا پورا آئی لینڈ ہے, جس کے اوپر یہ ساری چیزیں بلڈ ہوئی ہوئی ہیں. یہ بلڈنگز وغیرہ, موسک, یہ سب چیزیں, ہوٹل وغیرہ سب اتنی ہیں. Thank you.
पार्किंग करते हैं यहाँ पर अपनी कार और उसके बाद चलते हैं अंदर। मिकाएल, वेयर आर यू? मिकाएल साहब की नींद से आंख खुल चुकी है। मिकाएल, लेट्स एक्सप्लोर। मिकाएल, लुक एट मामा। नींद में अभी भी मिकाएल। और जी, यहाँ पर हमें एक हेलीकॉप्टर देखने को मिला है जो कि पाम जो मेरा आइलैंड पर लैंड कर रही है। ओह माय गॉड, मैं लाइव किसी हेलीकॉप्टर को अपने सामने लैंड करते हुए देख रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये पूरा जी यहाँ का जुमेरा का जो है आइलैंड का पार्किंग एरिया है विजिटर्स के लिए, जो कि अंदर विजिट के लिए आते हैं, और बाकी होटल्स वगैरह की जो है ना पार्किंग वो अलग है। तो यहाँ पर जी अम्मी और मिकाएल भी उतरे। मिकाएल कम है। और जी मिकाएल की नींद पूरी हो गई है और वो फ्रेश होके जो है ना वो विज़िट करेगा। और के पापा तो एज यू नो के ऑलवेज फ़ोन पे बिजी ही रहते हैं। और अम्मी भी उतर चुकी हैं। मिकाएल जो है ना अभी मेरे साथ ही चपकता है, वो अम्मी के साथ ही चपकता है। चलें फिर यहाँ से हमने जाना है और पैदल हम विज़िट करेंगे। हाँ अम्मी, स्ट्रॉलर निकालते हैं। तो जी पाम जो मेरा बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अभी तो हमने अंदर से एक्सप्लोर नहीं किया, सिर्फ रोड साइड से ही हम घूमते हुए आए, लेकिन माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत है। तो लेकिन ना हवा बहुत आ चली है, क्योंकि ऑब्वियसली ओशन के बिल्कुल बीच में ये आइलैंड है, तो आपको सोचे हवा यहाँ पे कैसे चल रही होगी। लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये ना मैन मेड आइलैंड है। इट्स लुकिंग सो नेचुरल सीरियसली। तो जब ये कंस्ट्रक्शन की वीडियो हम देख रहे थे ना, तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे भी मतलब जो है ना डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन इट इज़ द मैन मेड आइलैंड। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर। हम वॉक करते हुए जा रहे हैं अटलांटिस होटल की तरफ, और व्यू चेक करें वो वाली ज़रा। सामने रोड हो और ऐसा ओशन हो, तो मतलब वॉक करते रहो आप कभी भी नहीं थकते। कितना प्यारा जो व्यू है ना, वो सारा थकन दूर कर देता है इंसान के। तो जी अम्मी भी जा रही हैं आगे एंड मिकाएल और उनके पापा भी आगे जा रहे हैं। वाइट बीच, ओह माय गॉड, लुक एट द व्यू गाइस। वो बोट्स वगैरह शिप्स वगैरह सब आपको नज़र आ रहे हैं ना, कितना आला लग रहा है वो सब। तो बहुत ना एक खुशी सी हो रही है ऐसे आइलैंड पे हों जिसको इंसान खुद ने बनाया है, और वो भी इतना आला। तो इट्स लुकिंग वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अभी हम वहाँ भी जाके ना नज़दीक से मैं आपको सारा दिखाऊंगी। फिलहाल तो हम चल रहे हैं और अंदर होटल की तरफ अभी हमने जाना है। कैसी लग रही हूँ मैं? तो बस जल्दी जल्दी तैयार हुए थे क्योंकि लेट भी हो रहे थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास। और स्ट्रॉलर भी भूल गए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ना, मिकाएल का स्ट्रॉलर हम भूल के आ गए। अब उनके पापा और हमें थकना पड़ेगा ज़्यादातर तो बेचारों को, क्योंकि मिकाएल उन्हीं के पास ज़्यादा रहता है जब भी हम बाहर जा रहे हो। तो ये है कि अभी उनको उठा के लेके घूमना पड़ेगा, लेकिन खैर जगह बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग। कैसी लगी अम्मी आपको ये जगह जो मेरा पाम आइलैंड है? दुबई। हाँ अभी हम ये जो है अम्मी को इस पाम जो मेरा आइलैंड पर लेकर आए, उससे पहले अम्मी को हमने कंस्ट्रक्शन वीडियो दिखाई थी कैसे बिल्ड हुआ है सारा वगैरह, तो वो मान नहीं रही थी कि भाई इस तरह भी आइलैंड पर हो सकता है। तो अब आपको यकीन आ गया? तो चले अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। नीचे छोड़ता हूँ। और जी हम रोड किस तरफ आ गए, वहाँ पे आप पानी नज़दीक से देख सकते हैं सारा, और व्यू भी बहुत आला है। तो जी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। ये जी वॉकिंग ट्रैक है जिधर से सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉक करते हुए विजिट कर रहे हैं। तो लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वहाँ पर चेक करें ज़रा बोटिंग कैसे हो रही है, कितना मज़ा आ रहा है देख कर ही। तो सोचे करते हुए कितना मज़ा आ रहा होगा।
تو امی اور باقی سب چلے گئے, مکائل اور مکائل کے پاپا, اور ہم جا رہے ہیں جی اینڈ میں آپ کو دکھاتے ہوئے سارا. ہوا اتنی ٹھنڈی چل رہی ہے نا, اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ابھی, تو آپ اوشن کے پاس سے واک کرتے ہوئے جا رہے ہو تو ویو کا مزہ ہی کچھ اور آ رہا ہے, اور واک کرنے کا تو پوچھے ہی نا ابھی کیا فیلنگ ہو رہی ہے میری. تو ہوا بہت رہی ہے. جی دس از دا ہوٹل جس کے اندر جانا الاؤ نہیں ہے, صرف ریزیڈنس جو ہے نا وہاں پہ وہی جا سکتے ہیں. باقی یہی جو ہے وہ گھومنے کا جو جگہ تھا سارا, بالکل وی آر ایٹ دا اینڈ آف دا جمیرا فارم آئلینڈ. تو یہاں سے ابھی ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں گاڑی کی طرف, اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وزیٹرس جتنے بھی ہیں نا سب اسی ایریا کے اندر گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہو گیا. تو یہ سارے وزیٹرس ہیں جو کہ ابھی یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں, اور امی کی میں یہاں پہ فوٹو شوٹ بھی کر رہی ہوں, اور امی خود بھی اپنی فوٹو شوٹ کر رہی ہیں. تو یہاں سے ہم واکنگ ٹریک سے نکل آئے ہیں, ابھی ہم جا رہے ہیں پارکنگ ایریا کی طرف, اور واپس جانا ہے یہاں سے گھر. گھر نہیں, ایک اور جگہ پہ جاؤں گی, وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی وہیں پہنچ کر. تو امی جو ہے مکائی کو لے کے آگے آگے جا رہی ہیں, اور میں جو ہے اینڈ میں آ رہی ہوں ہمیشہ کی طرح اینڈ میں. تو آئی ہوپ گائز آپ لوگوں کو پام جمیرا آئیلینڈ کافی اچھا لگا ہوگا, جیسے کہ ہمیں لگا کافی خوبصورت ہے ماشاء اللہ. تو کافی مزہ آیا یہاں پر سن سیٹ, آپ کو یہاں پہ اتنا خوبصورت سن سیٹ دیکھنے کو ملے گا اوشن کے پاس سے. یہ بالکل نا ایک تو سائڈ اوشن پہ آپ جو بیٹھ کر یہاں پر سن سیٹ بھی دیکھ سکتے ہو, لکنگ سو بیوٹیفل رائٹ ناؤ. اور بس ابھی ہم جا رہے ہیں واپس پارکنگ ایریا کی طرف. سو جی دس از دا واکنگ ایریا اینڈ وی آر گوئنگ ناؤ, یہیں سے ہم واپس آئے تھے اور یہیں سے ہم جا رہے ہیں. تو گائز آپ کو آئی ہوپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پام جمیرا کی, جو کہ ہم خود فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے تھے, اور امی کو بھی میں نے فرسٹ ٹائم وزٹ کروایا. تو امی کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا پام جمیرا؟ اچھا لگا, بس 10 out of 9. کتنا ریٹنگ سے دیں؟ کتنا؟ بہت اچھا, پرفیکٹ. سن سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت سن سیٹ وہاں پر ہو رہا ہے, بالکل سمندر کے بیچ میں جو ہے نا سن سیٹ ایریا. آپ تو سن سیٹ کا ٹائم ہو چکا ہے اینڈ وی آر لیونگ فرام جمیرا آئی لینڈ. تو چیک دا سن سیٹ.